आप मुझे कोई स्कीम के लिए कुछ बता सकते हैं ऐसा प्रोडक्ट? एक्चुअली मैं पार्टीज वगैरह में जाती हूँ ना, तो मेरी स्किन थोड़ी डल लगती है। ओके, तो ऐसा कुछ बताओ जो मेरी स्किन ग्लो दिखे, हमेशा ग्लो करे आपकी स्किन। यस, ओके। तो मैं आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन नॉर्मली तो बहुत अच्छी है, मैं चाहूँगी कि आप स्किन के लिए ये ज़ोएटा क्रीम यूज़ करें, ईहा कंपनी का, जो कि बहुत ही अच्छा क्रीम है। और ये कोई भी, मतलब आफ्टर 16 इयर्स के बाद कोई भी बच्चा कोई भी लगा सकता है। ओके, इससे हमारी स्किन का फेयरनेस बढ़ता है, स्किन को ग्लो करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है। ओके, इससे हम लोगों को अगर अंडर आइज़ के नीचे थोड़ी सी ब्लैकनेस होती है, किसी किसी को पपनेस होती है, वो रिड्यूस हो जाते हैं। इससे हमको स्किन पे कोई हार्म नहीं है, स्किन में प्योर, मतलब प्योर हर्बल प्रोडक्ट है, तो स्किन में कोई हार्म नहीं है। इसके बाद अगर आपको ये रोज़ रात में लगाना है, रोज़ रात में लगाओ, या तो फिर मॉर्निंग में भी लगा सकते हो फेस वॉश करने के बाद। लेकिन मैं चाहूँगी आप फेस वॉश ना यूज़ करते हुए फिलहाल आप ये सोप यूज़ करो। दिस इज़ अ टर्मरिक एंड सैफ्रन सोप। ओके, ये भी हमारे यहाँ ब्रांड का है। ये सोप कैसे है, जैसे अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका जो एक स्टेप्स है ना, आपका फेयरनेस की तरफ बढ़ेगा। ओके, गिरा, इससे हमारे स्किन पे, मतलब स्किन को फेयरनेस बढ़ेगा, स्किन को ग्लो करेगा। नॉर्मली कोई हार्म नहीं है, वो हमारी गारंटी, ईहा कंपनी की गारंटी कि आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। और आप आगे जाके उसका खुद ब खुद इसके रिव्यू देंगे कि मुझे ये ब्रांड बहुत अच्छा लगा, आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगा। आप यूज़ करना है इसको, रोज़ रात में आप फेस वॉश करके सोना और ये क्रीम लगाना। ओके, और मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो वापस से आप इसको फिर से फेस वॉश करना। आप दिन में दो बार इसे फेस वॉश करो, आप खुद ब खुद फील करो कि मेरी स्किन है ना, एक मतलब एक स्टेप्स आगे फेयरनेस की तरफ बढ़ रही है। नॉर्मली हम लोग गोरी क्रीम, गोरी सोप वो सब यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी स्किन को ब्लीच वगैरह मुझसे, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। ओके, तो दिस इज़ फॉर योर स्किन।